In this lecture, we will solve this question. In the system shown in figure, a bead of mass m can slide on the string. There is friction between bead and the string. Is bead ke or is string ke beech mein friction hai? Now, block B has mass equal to twice of that of the bead. मतलब block B का mass double है bead से. System is released from rest with L दे रखा है आपको bead से इस bottom का ढक्कन distance L. Pulley and strings are massless. सब कुछ ideal है. Find the distance moved by block B before the bead slips out of the thread. मतलब जब ये bead slip करते करते नीचे पहुंच जाएगी, then we have to find कि इस block B ने कितना distance move किया हुआ. So to find distance, we have to first of all find the acceleration कितना होगा. So let's consider bead. कि bead को देखते हैं कि bead के साथ क्या हो रहा होगा. तो bead जो है, इस bead पे नीचे की तरफ एक तो इसका weight लग रहा होगा mg. Now एज ये जो रोप है, ये रोप फ्री है, तो रोप इज फ्री. फ्री मतलब ये कि इस पे कोई वेट अटैच नहीं है, इस तरफ कुछ भी है नहीं. तो सिंपल ऐसा केस अगर कंसीडर कर लूं मैं कि ये एक मान लो 2m का ब्लॉक है और ये एक रस्सी फ्री है, तो टेंशन कुछ होगी नहीं इसमें, क्योंकि यहां तो कोई अटैच नहीं है. अगर यहां पे कोई अटैच होता तो फिर टेंशन कुछ होती. तो मतलब टेंशन जो है रोप में वो जीरो है. तो फिर क्या है, क्या है तो देखते हैं उसको. ये रस्सी है, इस रस्सी पे ये बीड जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और यहाँ पे बोल रखा है कि फ्रिक्शन मौजूद है दोनों के बीच में. तो जब स्लाइड करेगा तो रस्सी और इस बीट के बीच में रबिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो ड्यू टू विच जो रस्सी है वो इस पे ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन लगाएगी जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा. सो लेट्स से फ्रिक्शन एफ है. सो वी कैन राइट कि एम जी माइनस एफ एंड इज इक्वल टू एम इन टू एफ. नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करते हैं. अब अगर मैं बात करता हूं तो मैं लिखता हूं कि यहां पे जो टेंशन होगी, हेयर टेंशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन. यहां पे जो टेंशन होगी वो फ्रिक्शन के ही बराबर होगी जो हमने निकाला है. कैसे होगी समझते हैं इसको. सो अगर मैं यहां पे एक काम करूं, कंसीडर करता हूं, कंसीडर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिलो बीड. अगर इस बीड के नीचे की रस्सी को देखें, सिर्फ इसको देखते हैं, तो इस रस्सी को अगर देखें तो इस रस्सी पे, अगर इस रस्सी पे ये बीड स्लाइड कर रहा था तो रस्सी ने बीड को फ्रिक्शन लगाया ऊपर की तरफ बीड पे, तो बीड भी रस्सी पे एक अपने नीचे वाली रस्सी पे नीचे की तरफ एक फ्रिक्शन लगाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ. और यू कैन से कि रस्सी के रिस्पेक्ट में बीड नीचे की तरफ जा रहा है तो बीड पे फ्रिक्शन ऊपर हो गया. सिमिलरली बीड के रिस्पेक्ट में जो रस्सी है वो ऊपर जा रही है तो बीड पे फ्रिक्शन नीचे लगाएगा. आप ऐसे ही बोल सकते हैं उसको, एफ हो गया. और क्या होगा, और इसका जो मास है इस बीड का, इस जो हमने रस्सी की लेंथ मानी, इसका मास तो जीरो है. मास अगर जीरो है तो उस पर जो नेट फोर्स निकल के आती है That is equal to m into a, वो भी कितना होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए. नेट फोर्स जीरो, लेकिन नेट फोर्स तो एफ आ रही है. इसका मतलब इस पे जो ऊपर की तरफ टेंशन भी लगना चाहिए एक, जो कि t माइनस एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, और m तो है जीरो. दैट मीन्स कि यहाँ पे t जो है वो f के बराबर होना चाहिए, तभी जीरो हो पाएगा. नेट फोर्स नहीं हो सकती इस पे. अगर टेंशन नहीं होती और सिर्फ नेट फोर्स कुछ f होती, लेट्स सपोज ये f होती, तो यहाँ पे इसका जो a होता वो इन्फिनिटी आता. दैट इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब यहाँ पे जो टेंशन है वो इस फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पे टेंशन तो टी थी, तो यहाँ पे टेंशन कितनी है, यहाँ पे टेंशन तो टू टी है, क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टू टी हो जाएगी क्योंकि इसका मास जीरो है इस पुली का भी. तो इस पर भी नेट फोर्स बैलेंस होगी ऊपर नीचे, और इसका वेट नीचे की तरफ आपके पास टू एम जी है. सो इसको देखें अगर, और नीचे की तरफ लेट सपोज ए वन से जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू टू एम जी माइनस टू टी इज इक्वल टू टू एम इन टू ए वन. सो टू एम जी, हमें नो दैट की टेंशन जो है दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन है, इज इक्वल टू टू एम ए वन. सो एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए वन, इक्वेशन नंबर टू. अब क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू. तो अगर कंपेरिजन करें यहाँ पे, सो वी कैन सी की कंपेरिजन करके यहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है एम जी माइनस एफ, यहाँ भी क्वेश्चन है एम जी माइनस एफ, यहाँ पे है एम ए वन, यहाँ पे है एम ए. इसका मतलब अगर सब कुछ सेम है
दैट इज मींस कि एम ए वन मस्ट बी इक्वल टू एम ए एंड ए वन इज इक्वल टू ए. इसका मतलब दोनों के दोनों सेम एक्सलेशन से नीचे स्लाइड जा रहे होंगे. ये नीचे ए से जा रहा होगा तो ये बीड भी नीचे ए से जा रही होगी. ये तो बात हो गई एक्सलेशन की. अब चलते हैं अपने पार्ट डिस्टेंस पे. तो अब हम उसको इजीली निकाल सकते हैं. कैसे तो देखते हैं. तो पहले बीड को देखते हैं. तो जो बीड है, बीड नीचे जा रही है ए से, और जो इसके नीचे रस्सी मौजूद है ये वाली, ये रस्सी जो है वो तो अगर ये नीचे जा रही है तो ये सिस्टम नीचे जाएगा पूरा. इसका मतलब ये है कि ये जो रस्सी है ये रस्सी ऊपर जा रही होगी ऑब्वियसली किसी एक्सलेशन से. तो अगर ये ए वन है सो वी कैन फाइंड कि जो ये रस्सी है वो कितने से जाएगी. सो वी कैन फाइंड बाय वर्चुअल वर्क डन मेथड कि वर्क में टेंशन जीरो होता है. तो अगर यहाँ पे देखो इस ब्लॉक पे तो टू टी ए वन नेगेटिव में क्योंकि एंगल 180 है. वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट, यहाँ मैं लगा रहा हूँ टी डॉट ए लगा रहे हैं. सो या दैट इज इक्वल टू टी ए कॉस थीटा. तो cos pi है 2t into a1. इस पे देखते हैं कि ta और let's suppose ये जो रस्सी है ये ऊपर let's suppose ये a2 से जा रही होगी. so that is equal to t into a2 equal to 0, a2 equal to 2a1 और a1 तो a ही है. इसका मतलब जो रस्सी है वो रस्सी ऊपर जो है वो 2a से जा रही है. so कुल मिला के बात ये है कि ये जो बीड है, ये जो रस्सी है ये बीड ए से आ रही है और जो रस्सी है ये वाली ये ऊपर 2a से जा रही है. तो अगर नेट आप देखेंगे नेट कितना आएगा. सो अगर मैं देखूं विद रिस्पेक्ट टू रोप, सो विद रिस्पेक्ट टू रोप अगर करें तो जो एक्सलेशन बीड का होगा दैट इज इक्वल टू a प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 3a. तो अब रोप के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम सब कुछ रिलेटिव में. तो अब मैं लगा सकता हूँ ये डिस्टेंस l है. So L is equal to U to 0 a half 3a into T square. So this is equation number 1. और अभी हमें ब्लॉक का निकालना है कि ब्लॉक कितना चलेगा. तो ब्लॉक तो B है और ब्लॉक का सिंपली A ही है, A1 है. So ब्लॉक के लिए लेट सपोज वो मूव करेगा SB is equal to half equation उसका A1 है जो कि A के बराबर है. A1 equal to A into T square equation number इसे 3 बोल देते हैं, इसे 4 बोल देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. Equation 3 by equation 4. So L by SB is equal to 3 and SB is equal to L by 3. L given hai aapko 18.75. So you will solve it, you will get 6.25 meters. So काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है और इस तरह के क्वेश्चन रेडोब में मौजूद हैं और काफी जगह और भी हो सकते हैं. So that's it for this lecture. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.